बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे गूगल की मुख्तलिफ टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें आप इस्तेमाल करके एंजॉय करेंगे। गूगल के मुख्तलिफ जो फ़नी राज हैं वो आज आपके सामने अफशा होंगे। गूगल सर्च बार पे आप लिखें फ्लिप पे कॉइन। टास्क करने के लिए सिक्के की, अगर आपके पास नहीं सिक्का है तो आप गूगल पे जाके फ्लिप पे कॉइन लिखें तो आपके सामने ये एक सिक्का आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये खुद खुद रोल करेगा और यानी टास्क के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में ये अगर आप टाइप करें वर्ल्ड मीटर्स डॉट इन्फो तो आपको बताएगा कि दुनिया में इस वक्त पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, मवाद की रेशो क्या है, इस वक्त नए बच्चों की पैदाइश कितनी हो रही है, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ये मीटर आपको बताएगा। इस वक्त पूरी दुनिया का आपको वर्ल्ड मीटर बताएगा। फिर आप सर्च बार में लिखें तीसरा जो है कि ASKEW गूगल लिखें और इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देखेंगे कि ये गूगल है ये वो टेढ़ा सा हो जाएगा, गूगल सर्च बार वो टेढ़ा नज़र आएगा आपको। अगर आप लिखते हैं डू ए बैरल रोल तो और साथ फिर बाद में आप सर्च के बटन में दबाते हैं तो ये फिर घूमना शुरू कर देगा, रोल करेगा। अगर आप लिखेंगे गूगल इन स्पेस तो आपको ये सारी लुक स्पेस वाली देगा, स्पेस में प्लैनेट्स, स्टार्स, सारी की सारी आपको इस वक्त गूगल स्काई के सामने पिक्चर नज़र आ रही है, गूगल स्पेस। अगर आप लिखते हैं गूगल स्फीयर और लिखे इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे जैसे स्पेस में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही ये सारे के सारे जो हैं जहाँ पे गूगल जो है ये रिवॉल्व करेगा स्पेस की तरह। अगर आप लिखते हैं ऊपर गूगल ग्रेविटी और इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि गूगल नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी लूज कर देगा। अगर आप लिखें गूगल अंडर वाटर और इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें देखेंगे कि आपको इस वक्त फिश नज़र आएंगी, गूगल उल्टा लिखा हुआ और नीचे फिश नज़र आएंगी। यहाँ पे आप फिश की तादाद ज़्यादा बढ़ा के भी लिख सकते हैं तो नहीं फिश यहाँ पे ज़्यादा आपको शो होंगी। अगर आप लिखते हैं गूगल जिपर और इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें ये बिल्कुल जिप की तरह दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा गूगल का सर्च इंजन। अगर आप लिखते हैं गूगल 1998 इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपको ये गूगल का जो 1998 का वर्जन है वहाँ पे ले जाएगा, जो 1998 का गूगल का वर्जन था वहाँ पे आपको ले जाएगा उस वक्त ये कैसे नज़र आता था।
अगर आप लिखते हैं जर्ग रश, जर्ग रश लिखें और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर देखेंगे गूगल उल्ट हो लिखा गया है। थोड़ी देर बाद रिंग नुमा ये नीचे आपको आते नज़र आएंगे, इनको आप हिट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये नीचे आएंगे ये आपकी सारी वो जो है लिखे हुए सेंटेंस वगैरह उन्हें गायब करना शुरू कर देगा। अगर आप इन नीचे आने से पहले इन्हें हिट करेंगे तो ये नीचे आपके जो सेंटेंस लिखे हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप लिखते हैं अटारी ब्रेकआउट और इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप ऑनलाइन ये गेम खेल सकते हैं अटारी ब्रेकआउट। अगर आप लिखते हैं पैन मैन डोडल या लिखें गूगल पैक मैन तो पैक मैन की गेम आपके सामने आ जाएगी, आप इसे ऑनलाइन यहाँ से खेल सकते हैं। अगर आप लिखें गूगल गिटार तो ऑनलाइन आप गिटार बजा सकते हैं। गूगल गिटार लिखने ये गिटार है आपके सामने, से आप गिटार बजा के मुसरफ स्ट्रिंग को आप छेड़ के साज बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। पूरे का पूरा ऑनलाइन गिटार दिया हुआ है, फ्री है ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल फ्री है। अगर आप लिखते हैं गूगल रेनबो तो ये इसकी शक्ल बिल्कुल गूगल रेनबो जैसी हो जाती है और ऊपर जो लफ्ज़ जितने सारे वो रंग बिरंग हो जाते हैं जितने भी जितने। अगर आप लिखते हैं ई एल गोग यानी गूगल मिरर तो गूगल आपको उल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा और नीचे ये सच जो है आई एम लकी वो भी आपको उल्टा लिखा नज़र आएगा। अगर आप लिखते हैं गूगल स्नैक तो स्नेक वाली एक बड़ी पुरानी गेम है, वो आप ऑनलाइन स्नेक की गेम खेल सकते हैं। अगर आप लिखते हैं गूगल थानोस, ये बड़ी फेमस फिल्म है, उस वक्त जब से ये फिल्म बनी थी उसी वक्त से ये अपलोड हुई। इसे हैंड के निशान पे आप क्लिक करें, थोड़ी देर बाद देखेंगे खुद खुद चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी, जितने जो हैं हाँ ये जो जो लिखा हुआ सारा गायब होना शुरू हो जाएगा। रिलेटेड का मतलब है अगर आप एक जैसी वेबसाइट, एक जैसी इमेज, एक जैसी वीडियो, एक जैसी वेबसाइट, एक जैसी एप्लीकेशन देनी जाती है तो रिलेटेड के कारण के बाद लिखने के बाद उस एप्लीकेशन का नाम, वो जैसी आपको और एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वो जैसी आपको और वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसी आपको और इमेजेस मिल जाएंगी, रिलेटेड के बाद कॉलन डाल के आप लिख दें। जैसे मैं लिखता हूँ कि गूगल ब्राउज़र की तरह दूसरे ब्राउज़र मुझे दिखाएं तो गूगल की ब्राउज़र की तरह दूसरे शीनी से आपको शो कर देगा कि गूगल के अलावा भी अल्टरनेटिव इसके ब्राउज़र हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने 7 7 5 मल्टीप्लाई 35 और साथ इक्वल लगाया तो ऑनलाइन कैलकुलेटर आप ये गूगल एज ए कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा, 225 उसका जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि फिगर को वर्ड्स में लिखा जाए जैसे 39800 के बाद आप इक्वल लिखें साथ इंग्लिश लिख दें तो ये आपको सारी को फिगर को आपको वर्ड्स में लिख के बता देगा। जितनी बड़ी फिगर हो या आप ये यूज़ करें। अगर आप विंडो 93 जानते हो तो विंडो 90 सबसे पुराना जो वर्जन था विंडो 93 लिखें तो आपको जो सबसे पहला वर्जन था विंडो का वो आपको ये सामने शो हो जाएगा। अगर आप लिखें गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट मुख्तलिफ ज़बानों को आपकी मादरी ज़बान में या उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करने में बड़ा फ़ायदा मंद है।
बाद हमारे दोस्त जो सऊदीया में जिनकी हमने वीडियोस पे कमेंट्स करने होते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उन लफाज को जो कमेंट्स हमें लिखने हैं उन्हें लेफ्ट पे लिखें और राइट साइड पे आप ये इस यहाँ से दबा के आप अरेबिक के ऑप्शन पे क्लिक करें, जिस लैंग्वेज को आप उनको कमेंट्स करना चाह रहे हैं, जो आप देना चाह रहे हैं, तो उसको आप सारे को कॉपी करके वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे पीडीएफ फाइल पीपीटीएफ फॉर्म में फाइल चाहते हैं, जैसे मैंने देखा कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में फाइलें चाहिए या पीपीटी में चाहिए, तो आपको आसानी के साथ पीपीटी कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको बड़ी आसानी के साथ पीडीएफ और पीपीटी डॉट एक्सएलएक्स यानी एक्सेल की फाइलें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ आपको वही फाइल शो कराएगी जिसकी आपने आई एंड पे एक्सटेंशन लिखी। अगर आप लिखते हैं गूगल लोगो हिस्ट्री, तो गूगल की शुरू से लेकर एंड तक जो लोगो की अशकाल थी वो आपको शो करेगा। ये गूगल की मतलब 7 अशकाल हैं। अगर आप कोई भी म्यूज़िक सर्च करना चाहते हैं तो आपको उसके लिरिक्स नहीं याद, तो दरमियान में जो आपको लफ्ज़ याद हो उनके दरमियान में प्लस लिख दें या स्टेरिक निशान डाल दें, तो आपको ये खुद ब खुद वहाँ पे सर्च करके ले जाएगा। और जो आप प्लस या स्टेरिक निशान डाल कर सर्च करेंगे तो फिर आपको सिर्फ वही शो करेगा जो आप मोबाइल सर्च करना चाह रहे हैं। वॉलपेपर्स, हमेशा वॉलपेपर वो यूज़ करें अपनी यूट्यूब के थंबनेल बनाने में जो कि कॉपीराइट जिन पे ना हो, जिन पे कॉपीराइट ना हो, उसके लिए आपको चाहिए कि इमेज के साथ सामने टूल्स का एक ऑप्शन होता है, ये सेटिंग के बिल्कुल साथ होता है, टूल्स पे क्लिक करें और ये नीचे आ जाए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज राइट्स, तो यहाँ पे है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके हमेशा जो पिक्चर है वो देखें जो शो हो रही हैं, जो आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं, सिर्फ उन्हीं को डाउनलोड करें जो फ्री हैं। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो आप ऊपर लिखें फाइंड मोबाइल लोकेशन और इस ऑप्शन